हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपना ज्वेलरी बॉक्स दिखाने वाली हूँ। पीछे के बैकग्राउंड को इग्नोर करना, मैं अलमारी बंद करना, कबर्ड बंद करना भूल गई। आज मैं आपको ज्वेलरी बॉक्स दिखाने वाली हूँ जो मैं पिछले वीडियो में बना रही थी, बट वो बीच में कट हो गई। तो ये फ्लावर्स हैं, इसमें 6 ऊपर 3 नीचे 3, और ये ट्रांसपेरेंट सा है। जब मेरी मम्मी ने ये मुझे दिया था तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ सामान थे, तो मैंने ऐसे इसमें डाल के वो लगा के ये क्या बोलते हैं इसको कार्डबोर्ड लगा दिया कि आधे में मैं ज्वेलरी आधे में मैं ये रखूँगी। तो ये बेकार सामान को तो मैं आपको नहीं शो करूँगी, ज्वेलरीज को शो करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वरना मैं बोलते रह जाऊँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट थिंग हम लोग हाथ से शुरू करते हैं। तो ये मेरी मम्मी ने रिटेलर से लिया था, काजल गोयल से। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। ये ऐसे तो रबर बैंड है, तो मैंने इसमें ही रख लिया कि कभी कभी जब रबर के तरीके से यूज़ करना होगा तो रबर के तरीके से इसमें निकाल के यूज़ कर लूँगी। और ये हैंड में भी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये भी ऐसे भी रख दिया ज्वेलरीज में भी। एंड माला वाला तो मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास कम है बट दिखाऊंगी। चलो हैंड से शुरू किया तो हैंड का ही दिखा देते हैं। मांटी का एक है मेरे पास बस। एक ये है रिटेलर से लिया था काजल गोयल से। ओ, इसकी MRP है 15 rupees एंड इसकी 20 rupees। ये मल्टी कलर है, इसमें स्टोन्स लगी हुई हैं और इसमें पॉम पॉम्स, और ये गोल्डन कलर की है बैकग्राउंड से। एंड इसमें एक पर्पल भी था, एक पर्पल और पिंक, ये गोल्डन है वैसे तो इसका तो ये लाइन। ये एक पर्पल भी था बट मैंने मम्मी से बड़बड़ा रही हूँ। मम्मी ने मुझसे पूछा कि कौन सा कलर चाहिए तुम्हें, तो मैंने बोला कि पर्पल तो मैं ज़्यादा लगाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लगता। मेरे को पर्पल से ना बिल्कुल माला तो है पर्पल कलर का, लेकिन मैं पर्पल कलर लेकिन कम यूज़ करती हूँ, इसलिए तो पिंक ले लिया। देन इसमें छोटी छोटी मल्टी कलर की स्टोन्स हैं। हैंड में ही दिखा देते हैं, ये नहीं पहनूंगी फ्रेंड्स, इसको पहनने में देर लगता है। इसमें बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ है, पीछे भी ऐसे ही बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे बीट्स हैं, और ये भी नहीं पहनूंगी, इसको भी टाइम लगता है पहनने में। इसमें बीट्स हैं, बीच बीच में ये कुछ कुछ डली हुई हैं लगी हुई। ओ, इसकी MRP तो बताना भूल गए, 10 rupees। और ये आई थिंक 5 rupees, 5 rupees। एंड हैंड की तो बच गई नहीं बिल्कुल भी। तो ब्रेसलेट्स तो ख़त्म हुई, अब शुरू करते हैं हमारी मांटिका। एक ही है तो मांटिका दिखा देते हैं। कहाँ गई मांटिका? तो ये रही मेरी मांटी का, जो मैं राजा वसीम मामा के शादी में गई थी तो हल्दी के लिए हम लोग लिए थे। मैंने रख लिया अपना कि मैं कभी कभी लुक्स करती हूँ क्रिएट, तो कभी कुछ मैं रेड कलर का पहनूंगी क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स थे, वो मैं नहीं बताऊंगी आपको, देर हो जाएगा। तो ऐसे लगता है तो मैं रेड कलर का जब भी पहनूंगी या लहंगा वहंगा पहनूंगी तो मैं इसे लगा लूंगी, तो इसीलिए मैंने अपने पास रखा। एंड इसको ये हिल रहा है इसलिए क्योंकि अभी मैंने क्लिप नहीं लगाया, शादी में क्लिप लगाया था बट अभी वीडियो के लिए क्लिप बेकार में क्यों लगाऊं, लॉन्ग भी हो जाएगा। तो ये रेड कलर का फ्लावर वाला है, पीछे में गोल्डन सी ये लगी हुई है, एंड यहाँ पे छोटी छोटी बीट्स और गैप गैप दे देंगे ऐसे से। और इसको आप लोग कान पे भी वेयर कर सकते हो, मेरे तो कान नहीं छेदा, संडे को छेदा जाएंगे इस संडे को। और फ्रेंड्स, मैं पिछले साल तो अपने चैनल का अक्टूबर 23 को नहीं कर पाई सेलिब्रेट, पर इस बार करेंगे, केक नहीं काटेंगे लेकिन कुछ सेलिब्रेशन तो जरूर करेंगे। ये देखिए, ये बहुत गुड है। मंटी का खत्म। एंड अब रिंग्स दिखा देते हैं, टोटल रिंग्स 2-3। फ्रेंड्स, अभी मैं रिंग्स निकालती हूँ, मेरे पास ज़्यादा रिंग्स तो नहीं है, 4 हैं।
फोन है क्योंकि मेरी मम्मी, ओ मैं दाम बताना भूल ही गई, ये तो पूरा हमें सारा मिला था तो इसका मैं आपको दाम नहीं बता पाऊंगी। हाँ, एंड ये हम लोग ने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। मेरे किचन सेट में ये रखा था मम्मी का रिंग का बॉक्स, तो मैंने इसमें अपना फेवरेट रिंग डाल दिया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या क्या है। सो ये कुछ मेरे पास रिंग्स है, 4, एक तो इसमें और ये 3, ये 3 ये सब है। तो फ्रेंड्स ये एक रिंग है जो टूट चुकी है, वो मैं मम्मी से जुड़वा लूंगी, और यही मेरी फेवरेट थी पहले की, इसके पहले की, तो मैं ये जुड़वा लूंगी, मेरे को अच्छी तो लगी बिल्कुल ज्यादा, क्योंकि ये बहुत गुड भी है, तो ये मैं किसी के साथ भी वेयर कर सकती हूँ। तो ये ऐसी थी बट नहीं रही, मौत हो गई, देखिए मौत हो गई। और ये इस फिंगर में पहनने में आती है मेरी, एक दिन वीडियो बना रही थी उसमें बीच में गिर गई थी, मैं वीडियो पोस्ट भी नहीं की। और एक ये वाली है फ्लावर वाली, ये अलग फ्लावर थी, ये अलग फ्लावर है, और इसके रिंग ज्वाइंट है, बस मेरी एक ही टूटी थी वो। और ये भी इसमें आती है और बहुत क्यूट लगती है, देख सकते हैं आप लोग। सेकंड ये पिंक मिकी वाली है, इसमें ग्रीन मिकी भी थी बट मैंने पिंक ले ली। और ये सारी रिंग्स 5 रुपीज की हैं, और ये देख सकते हैं आप लोग, ये भी 5 की है, काजल गोयल से हमने लिया था रिटेलर से, देख सकते हो बहुत गुड है। मम्मी यहाँ पे लाके बेचती हैं सबको, इसीलिए मम्मी ने मेरे को भी कुछ उसमें दे दिया, हेयर बैंड भी। हंसी पॉज नहीं हुई। आप लोग देख सकते हो ये इस तरीके की है, इसमें मैंने रिंग अपना फेवरेट वाला रखा अभी तक का, एंड इसमें ये जगह है, और ये देखो मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ। ये मेरी सबसे ढीली रिंग है जो इसमें भी ढीली होती है, बट इसमें पहनो तो अंगूठी में बहुत टाइट। इसमें चैरीज बनी हुई है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें 2 चैरीज है, एक डार्क पिंक एंड एक बेबी पिंक, एंड ऊपर ग्रीन कलर की लीव्स है, ग्रीन कलर की लीव्स तो ग्रीन ही होती है, आप लोग देख सकते हो बहुत क्यूट लगती है मुझे, इसलिए मैंने इसे रखा। सीधा रखूंगी, और ये ना टूटे इसीलिए मैंने इसमें रखा, क्योंकि अभी तक की ये सबसे अच्छी थी इससे भी, बट ये भी अच्छी थी। सो रिंग्स भी रखते हैं। यू सी दिस बॉक्स, सेकंड और मेरी लास्ट थिंग्स हैं इसमें, इस पूरी ज्वेलरी बॉक्स में 2 मालाएं। ये जब मैं बहुत छोटी थी तब का है, जब मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई ये तब का है, मैं दोनों आपको वेयर करके बताऊंगी। मेरी बाल ना फंस जाए। ओ फ्रेंड्स, मेरी बाल फंस गई, ओ आप लोग, बट आप लोगों को दिखाना है। फ्रेंड्स देखो, आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, ये ऐसे ऐसे कर रही हूँ, इतना ठंडा है फिर भी पहन रही हूँ, आप लोग प्लीज एक लाइक तो कर दो। और ये जितनी भी माला है ना, मेरी नानी ने खरीदा है, ओडिशा में रहती है मेरी नानी, और इसमें ये ऐसे ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स टाइप की हैं, प्लेट्स ही से बोलते हैं, एंड यहाँ पे छोटी छोटी बीट्स लगी हैं, और ये कुछ कलरफुल सी बीट्स ही लगी हैं, पता नहीं इनको क्या बोलते हैं। सो ये बहुत क्यूट लगती है इन दोनों में से, मतलब इसके कॉम्बिनेशन से इसको क्या जाए, मतलब इससे इसको बताया जाए कि कौन सा अच्छा है, मेरे लिए तो यही अच्छा है, लेकिन मैं बट आपको दूसरा वाला भी वेयर करके दिखाऊंगी। ओह ओह,
एक रिंग ना मैं ऐसी रखती थी, एक दिन उसका ये निकल गया, मतलब एक नेकलेस, इसीलिए मैंने इसको अब उसे बंद करके रखती हूँ। अभी पता नहीं अभी था या नहीं बंद, तो ये वाला भी वेयर करती हूँ आप लोग के लिए। लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबाना, क्योंकि मैं बहुत हैप्पी होती हूँ आप लोग मेरे को पसंद करते हो तो। और क्या बताऊँ, और ये वाला भी आपको बताऊंगी इसमें क्या है। पीछे का इसका बैकग्राउंड का बता देती हूँ दोनों का। इसमें व्हाइट कलर की बीच लगी है, इसमें पर्पल कलर की, क्योंकि ये पूरा नेकलेस पर्पल है। और यहाँ पे बढ़ते ही थोड़ी सी मोटी बीट्स आ जाती है, कहाँ गई यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ फ्लावर्स वाली बीट्स लगी हुई हैं, और ये थोड़ी सी ऐसे ऐसे डायमंड टाइप्स की लगी हुई है। और यहाँ पे दो दो प्लेट्स लगी हुई हैं, ऐसे प्लेट्स टाइप की लगी हुई हैं, एंड फ्लावर्स हैं इसमें, बहुत क्यूट लगता है ये। इसको ओपन करते हैं। मैंने इसको ओपन कर दिया है, बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी ज्वेलरी बॉक्स, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। मेरे पास आएगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो ये कुछ इस तरीके की ट्रांसपेरेंट बॉक्स में बंद हो जाओ मम्मी ओह नो फ्रेंड्स आई डोंट लाइक दिस बॉक्स, कभी बंद ही नहीं होता सही से। मैं रख दिया, फ्रेंड्स मैं जाती हूँ अब, बाय।